डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। आज हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। कल जब हम वीडियो में मिले थे, तब मैंने आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी। आज हम उन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टेन, ब्रैकेट एक्स प्लस फोर इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस टेन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट एक्स प्लस एट, ब्रैकेट एक्स माइनस टेन। थर्ड क्वेश्चन है थ्री माइनस टू एक्स ब्रैकेट और थ्री प्लस टू एक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू और ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू। इन चारों क्वेश्चंस को हम उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारी पहली आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको हमने बोला था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो बना था हमारा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसकी जगह हमने लिखा था ए प्लस बी ए माइनस बी। और हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, उसकी जगह हमने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आज हम उन चारों आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है आपका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए आप एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या थी आपकी? ये आइडेंटिटी थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहां पर आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ए की जगह कितना आ रहा है फोर, बी की जगह कितना आ रहा है टेन, और दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, तो पुट कर दीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। ए की जगह आया फोर, बी की जगह आया टेन इंटू एक्स प्लस ए की जगह फोर इंटू बी की जगह टेन। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टेन फोर्टीन इंटू एक्स, तो एक्स प्लस फोर टेन जा फोर्टीन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉरी हमने एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका यही बन रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहां पर बी की जगह माइनस टेन आ रहा है, इसको हम यूज कर लेंगे। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ए की जगह क्या आ रहा है देखिए आप एट, प्लस बी की जगह क्या आ रहा है माइनस का टेन। तो यहां पर लिख देंगे हम माइनस का टेन इंटू एक्स प्लस ए की जगह एट और बी की जगह माइनस का टेन। सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास से। यह आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, अंदर देखिए आप एट का एट प्लस माइनस माइनस टेन इंटू एक्स प्लस। अब ये देखिए प्लस और एट का मल्टीप्लाई हुआ माइनस टेन से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का एटी। वापस सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, माइनस का टेन प्लस का एट बचेगा माइनस का टू, प्लस माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस और एटी ऐसा का ऐसा ही। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस माइनस माइनस टू एक्स माइनस एटी। तो देखिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं हम। ये बन रहा है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान से देखिए आप ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए माइनस बी आगे हो सकता है, ए प्लस बी पीछे हो सकता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ए की जगह कितना आ रहा है थ्री, तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब टू एक्स, टू एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, माइनस टू, टू का स्क्वायर होता है फोर, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो
बहुत आसान क्वेश्चन है, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए घर पर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये भी बन रहा है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ए की जगह क्या आ रहा है आपका, वाई स्क्वायर, तो लिखिए ए का वैल्यू लिखा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह आ रहा है आपका 3/2, 3/2 का स्क्वायर, वाई की पावर 2, उसकी होल पावर 2। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अगर कहीं लिखा हुआ है ए टू दी पावर एम उसकी होल पावर एन, तो इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर पावर के ऊपर पावर आ रहा है, तो 2 2 जाए यहां पर आ जाएगा आपका 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए एलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।